वो शादी करने के लिए मर्द नहीं मिलेंगे, तो क्या ऑप्शन है उनके लिए? दो ऑप्शन है, चाहे पहला ऑप्शन है कि वो ऐसे मर्द से शादी करे जिसकी बीवी ऑलरेडी है, या वो बाजावरी औरत बन जाए। मैं आ रहा था, हमारा था 1000 किलो था, या एक मैंने सीओ से बात किया, नाम नहीं लेता हूं, कौन सीओ स्टेशन मैनेजर कंट्री मैनेजर से बात किया, डॉक्टर साहब आपके लिए कुछ भी करूंगा। मैं बोला ठीक है भाई, 6 लोग जा रहे थे, मैंने बोला भाई 500-600 किलो ज्यादा है, हाँ हाँ डरो मत, मुझे 50% डिस्काउंट दूंगा। मैं बोला भाई दो ही ऑप्शन दिए उन्होंने, कहा जी जो इस तरह की खातून है अगर उसका हस्बैंड फौत हो जाता है या उसको तलाक हो जाती है तो आगे उसके पास चॉइस क्या है? चॉइस यही है कि किसी शादीशुदा से वो दोबारा से शादी कर ले, और या फिर दूसरी ऑप्शन उन्होंने दी है कि जी वो बाजारी औरत बन। ज़ाकिर नाइक पाकिस्तान से नाराज हो गए हैं, कुछ नाराज नाराज से दिखाई देते हैं ज़ाकिर नाइक। बोला देने का तो फ्री दे, मत दे, ठुकरा दिया मेरे पीआई पाकिस्तान एयरलाइन। अरे इंडियन में कोई भी गैर मुस्लिम मुझे देखेगा तो फ्री में छोड़ेगा, ये है इंडिया, गैर मुस्लिम डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को देखेगा 1000 किलो 2000 किलो छोड़ देते। नाइक ने एक ऐसा तमाशा लगाया है पाकिस्तान के अंदर आके कि कुछ लोग कह रहे थे कि जब गीदड़ की शामत आती है तो वो शहर की तरफ जाता है। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के बारे में हम लोग ये कह रहे हैं कि जब उन्होंने एक्सपोज होना था, उनका सारा का सारा पोल खुलना था, तो वो पाकिस्तान आ गए। पाकिस्तान में इस जाहिल नालायक की इस हरकत की बहुत ज्यादा फजीहत हो रही है, पाकिस्तान की महिलाएं बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, क्योंकि बाजारी औरत इतना सख्त लफ्ज़, मैं इंग्लिश में बोलता हूँ पब्लिक प्रॉपर्टी, लोग एतराज लेते, मैं कहता हूँ इससे अच्छा लव मेरे पास है। पाकिस्तान पर तो नाराज हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदू तो मेरे साथ इतना अच्छा सलूक करते थे, उन्होंने हिंदुओं की और इंडिया की तारीफ की है, मुबारक हो भारतीयों, मुबारक हो आप। मुझे ये बहुत अच्छा नहीं लगा सुन करके, अरे इसने पाकिस्तान की सरजमीन पर भारत की तारीफ की है और पाकिस्तान को देख के ऐसा लगता है कि मुस्लिम दुनिया का ये स्कॉलर जो है उसको दुनिया की पेचीदगी कॉम्प्लेक्सिटी मॉडर्न वर्ल्ड का बिल्कुल भी नहीं पता, वो अपने किसी नैरो ग्रूव के अंदर फंसा हुआ है, उसी हवाले से वो सारे के सारे कमेंट कर रहा है। वो कह रहा था कि जी 13 साल की जो बच्ची है उसको चाहिए कि वो 120 साल के बूढ़े बाबे के साथ शादी कर ले, ये कौन सी चीज़ है ये बता रहा है, किस तरह का ये यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर आकर ये सारी काम ये कर रहा है, मैं क्या इस... वो कहते हैं कि अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहना चाहिए, तो आप भी आप ज़ाकिर नाइक साहब से नाराज होना बंद कर दें, क्योंकि पाकिस्तान पहुंचने के बाद उनको इंडिया की सही कीमत का अंदाजा हुआ है। पाकिस्तानी जन्नत में जाएंगे, इससे ये वाजे है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, और मुसलमान का ये वादा है कि अल्लाह पाक से कि हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा है, और हम जो है अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत जरूर जाएंगे, ये इसमें कोई शक की बात नहीं है कि मुसलमान जन्नत नहीं। ज़ाकिर नाइक एक निहायत ही तरकीब अश्लील बेहुदा बदतमीज आवारा कम्मा जिहादी आतंकी भगोड़ा आदमी है। नाइक के साहब का ताल्लुक है तो वो उनकी जो भी सक्सेस है उन्होंने उसको खुद ही एक्सपोज कर दिया। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे आप इंडिया की तरफ से कोई प्लांटेड पाकिस्तान में आ गए और आपका मकसद सिर्फ पाकिस्तानियों को इंसल्ट करना है, बेइज्जती करनी है। बिस्मिल्लाह उसके पास पासपोर्ट होगा, लाहौर के वाघा बॉर्डर पे जाए तो वहाँ पे गेट खुलवाए और इंडिया चला जाए। हमने तो नहीं बोला था ना कि आप भगोड़े होकर वापस भागा। ये हमारे लिए कान खड़ा करने वाली बात है कि भारत में अभी भी अलग अलग विभाग में अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग स्टेशन में कहां कहां पर ज़ाकिर नाइक के स्लीपर सेल बैठे हुए। कल देखे जब मैं भारत में सफर कर रहा होता था तो वहां पर जितने भी लोग होते थे हिंदू होने के बावजूद, तो वो मुझे फ्री जितना भी मेरा वेट होता था, वजन होता था, मेरे पास जितना भी सामान होता था उसके ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं। शादी करने के लिए मर्द नहीं मिलेंगे तो क्या ऑप्शन है उनके लिए? दो ऑप्शन है, चाहे पहला ऑप्शन है कि वो ऐसे मर्द से शादी करे जिसकी बीवी ऑलरेडी है, या वो बाजावरी औरत बन जाए। बाजारी औरत इतना सख्त लफ्ज़, मैं इंग्लिश में बोलता हूं पब्लिक प्रॉपर्टी, लोग एतराज लेते, मैं कहता हूं इससे अच्छा लफ्ज़ मेरे पास ही नहीं। तो आप कोई भी एक अच्छी खातून को पूछेंगे, अगर आपको शादी के लिए कोई मर्द ऐसा नहीं मिल रहा जिसके पास कोई बीवी नहीं है, और दो ऑप्शन आपके पास है, ऐसे मर्द से शादी करो जो जिसकी शादी हो चुकी है, या आप बाजारी औरत बनो। ओ, या तो दो ही ऑप्शन दिए उन्होंने कि जी जो इस तरह की खातून है अगर उसका हस्बैंड फौत हो जाता है या उसको तलाक हो जाती है तो आगे उसके पास चॉइस क्या है? चॉइस यही है कि किसी शादीशुदा से वो दोबारा से शादी कर ले, और या फिर दूसरी ऑप्शन उन्होंने दी है कि जी वो बाजारी औरत बन जाए। क्यों, क्या वो अपने घर के अंदर नहीं रह सकती? क्या वो अपने घर के अंदर बाइज्जत तरीके से नहीं रह सकती? ये तो कहाँ खड़ा है ये मैं तो कहता हूँ कि इस तरह का जो ये इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किस तरह का चेहरा दिखा रहा है? ये इस्लाम का कौन सा चेहरा दिखा रहा है कि जी दो ही ऑप्शन है कि या तो आप एक बूढ़े मर्द के, और मैं एक और क्लिप इनका देख रहा था कि वो कह रहा था कि जी 13 साल की जो बच्ची है उसको चाहिए
कि वो 120 साल के बूढ़े बाबे के साथ शादी कर ले। ये कौन सी चीजें ये बता रहा है, किस तरह का ये यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर आकर ये सारी काम ये कर रहा है। मैं क्या इसको बोलूं कि ये अपने आप को तो कहता है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा इस वक्त जो आलम इस्लाम का स्कॉलर हूँ, और स्कॉलर इस तरह के होते हैं कि जो इस तरह की बातें करते हैं कि सिर्फ जो है वो मर्दों की अय्याशी के समान पैदा किया गया औरत को। इस दुनिया के अंदर अगर औरत को बनाया गया तो वो सिर्फ और सिर्फ अय्याशी के लिए बनाया गया, उसकी जिस्मानी तस्कीन के लिए बनाया गया। कोई इज्जत नहीं है किसी महिला की, किसी औरत की इस दुनिया के अंदर, कि वो इस दुनिया के अंदर आई है तो उसका एक मकाम है। औरत तुम्हारी माँ भी है, अगर तुम्हारा बाप अगर जल्दी मर जाता तो क्या तुम अपनी माँ को भी ये बोलते कि हाँ भी मेरी माँ भी बाजारी औरत है और उसने जो है वो दूसरी शादी नहीं की, इस वजह से वो अब बाजारी औरत है। तो मेरे ख्याल में इनको कुछ शर्म आनी चाहिए, कुछ खौफ आना चाहिए कि ये किस तरह का ये उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। इनको कोई शौर ही नहीं, अकल ही नहीं है। इससे पहले इन्होंने क्या किया कि वो छोटी यतीम बच्चियों को कैसे उनके साथ सलूक किया, औरत की तो इनको इज्जत ही नहीं है। उसके बाद में एक जो खैबर पख्तूनख्वा से एक जो थी, उन्होंने अपने माशरे की कुछ बातें बताने चाहिए तो उसकी उन्होंने वहाँ पर इंसल्ट की, और अभी तक उसके ऊपर प्रेशर है कि वो दोबारा से वो ज्वाइन करें और सरेआम वो वहाँ पर आकर माफ़ी मांगे कि मैंने जो सवाल किया था वो गलत सवाल था। तो ये क्या कर रहे हैं ये जाकिर नाइक, ये पाकिस्तान के अंदर कौन सा ये इस्लाम बता रहे हैं, कौन सी ये सारी चीज़ें बता रहे हैं कि जिसके अंदर जो औरत की महिला की इज्जत जो है वो जूती के बराबर है, कि आप समझते हैं कि सिर्फ उससे बच्चे पैदा किए हैं और बस, और उसका कोई काम नहीं। औरत माँ भी है, औरत बहन भी है, औरत बेटी भी है, कितने खूबसूरत ये रूप के अंदर है। मैं आ रहा था, हमारा था 1000 किलो था, या एक मैंने सीईओ से बात किया, नाम ले लेता हूँ, कौन सीईओ, स्टेशन मैनेजर, कंट्री मैनेजर से बात किया, डॉक्टर साहब आपके लिए कुछ भी करूंगा। मैं बोला ठीक है भाई, 6 लोग जा रहे थे, मैंने बोला भाई 500-600 किलो ज्यादा है, हाँ हाँ डरो मत, मुझे 50% डिस्काउंट दूंगा। मैं बोला भाई 50% डिस्काउंट के बदले में और 4 लोग को लेकर और सस्ता पड़ेगा ना। बोला देने का तो फ्री दे, मतलब मत दे, ठुकरा दिया मेरे पीआई पाकिस्तान एयरलाइन। अरे इंडियन में कोई भी गैर मुस्लिम मुझे देखेगा तो फ्री में छोड़ेगा, ये है इंडिया। गैर मुस्लिम डॉक्टर जाकिर नाइक को देखेगा 1000 किलो 2000 किलो छोड़ देता है, ये पाकिस्तान है। गवर्नमेंट का गेस्ट हूं मैं, मेरे वीजा पे निकल स्टेट गेस्ट, और आपका सीईओ पाकिस्तान का बोलता है 50% डिस्काउंट देगा, चार्ज कर रहे 110 रिंगेट 1 किलो का। मुझे इतना दुख हुआ कि पाकिस्तान में मैं आ रहा हूं, डॉक्टर जाकिर नाइक स्टेट गेस्ट है और वो 300 किलो छोड़ने सकते, बोलते 50% डिस्काउंट देंगे, मुझे नहीं दे देना डिस्काउंट। मैंने 4-6 लोग कॉल लिया, मेरा सामान। जाकिर नाइक पाकिस्तान से नाराज हो गए हैं, कुछ नाराज से दिखाई देते हैं जाकिर नाइक, और उन्होंने कहा कि ये कैसा देश है। पाकिस्तान के अंदर खड़े होके जाकिर नाइक ने कहा ये कैसा देश है जो मेरे साथ इस तरह कर रहा है। जाकिर नाइक के साथ पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा है बस वो हम आपको क्या ही बताएं, बल्कि मैं तो ये समझती हूँ कि जाकिर नाइक जो पाकिस्तान के लोगों के साथ कर रहे हैं वो हम आपको क्या बताएं। और साथ ही उन्होंने पाकिस्तान पर तो नाराज हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदू तो मेरे साथ इतना अच्छा सलूक करते थे। उन्होंने हिंदुओं की और इंडिया की तारीफ की है, मुबारक हो भारतीयों, मुबारक हो आप लोगों को, लो भी देखो काया पलट हो गई, कहाँ से निकले और कहाँ पहुँचे। वो कहते हैं कि अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहना चाहिए। तो आप भी अब जाकिर नाइक साहब से नाराज़ होना बंद कर दें, क्योंकि पाकिस्तान पहुँचने के बाद उनको इंडिया की सही कीमत का अंदाज़ा हुआ है, और वो कह रहे हैं ये कैसा देश है भाई, ये कैसा मुल्क है, मैंने तो ये कहा था ये कह रहे हैं, मैंने ये कह दिया, मैंने इनके लिए ये कहा था ये कह रहे हैं, मैंने ये कह दिया। जो तूफान उठा हुआ है सोशल मीडिया पे इस वक्त जाकिर नाइक का, वो मैं आपको क्या ही बताऊं। सर हुआ ये है कि आपको पता है बड़े बड़े सेशंस हो रहे हैं और बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो है ना जाकिर नाइक साहब को नौजवानों का इकट्ठा हुआ, एक बहुत बड़ा इजतमा हुआ, गैदरिंग थी जिसके अंदर नौजवान लड़के लड़कियाँ थे, बड़े खुशी से वो आए और उन्होंने जाकिर नाइक साहब से सवालात करने शुरू किए। सर जो सवालों की बौछार हुई है, फिर जाकिर नाइक साहब अब सोच रहे होंगे मैं इधर से निकलूं या उधर से निकलूं, लेकिन वो बिल्कुल अपनी सोच की तरह सीध में निकले, सीधे निकले और फिर सीधे जाके, आपको पता है सीधे आप जा रहे हो और देख ना रहे हो तो आप दीवार से टकराते हैं, वो भी कुछ टकरा टुकर हो गए। इसकी वजह यह है कि एक पश्तून लड़की ने, एक बहुत ही इंटेलिजेंट बहुत ज़बरदस्त नौजवान लड़की ने उनसे एक सवाल कर लिया, और सवाल ये था कि जो KPK की सोसाइटी है खैबर पख्तूनख्वा की, उन्होंने कहा कि बड़े रिलीजियस लोग हैं यहाँ पर, बड़े मजहबी लोग हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये नमाजें भी पढ़ते हैं, ये ज़कात भी देते हैं, ये रोज़े भी रखते हैं, ये बहुत रिलीजियस पीपल हैं, सब अपने तमाम ड्यूटीज़ अंजाम देते हैं जो मजहब ने बताई हैं, लेकिन फिर भी बच्चों के साथ ज़्यादती होती है यहाँ पर मदरसों में और हर जगह जो है ना पेडोफाइल की बात की उन्होंने।
जाकिर नायक साहब तो उसके ऊपर ऐसे उछले हैं और इतना नाराज हो, उन्होंने कहा कि ये कहा कैसे, ये तो हो ही नहीं सकता कि किसी इस्लामिक सोसाइटी में पेडोफाइल हो। उनका मुमकिन ही नहीं है कि इस्लामिक सोसाइटी में कोई बच्चों से ज्यादती करे। आप अपना सवाल वापस। डॉक्टर जाकिर नायक ने एक ऐसा तमाशा लगाया है पाकिस्तान के अंदर आके कि कुछ लोग ये कह रहे थे कि जब गिदड़ की शामित आती है तो वो शहर की तरफ जाता है। डॉक्टर जाकिर नायक के बारे में हम लोग ये कह रहे हैं कि जब उन्होंने एक्सपोज होना था, उनका सारा का सारा पोल खुलना था, तो वो पाकिस्तान आ गए। यहाँ आप परेशान इसलिए हो जाते हैं कि मुस्लिम दुनिया का, साउथ एशिया का इतना बड़ा सो कॉल्ड स्कॉलर जो है वो इतनी छिछोरी और छोटी 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 चीज़ों में इतना ज़्यादा जो है उसके बारे में इमोशनल भी है और इतनी छिछोरी किस्म की ज़ुबान भी वो इस्तेमाल करता है और उसको बिल्कुल एहसास भी नहीं है कि वो पब्लिक में खड़ा होकर इस किस्म की बातें कर रहा है। इसके साथ एक बड़ा प्रॉब्लम भी रिवील होता है जो ज़्यादा सीरियस और परेशान कुन सूरत हाल है कि मिलियंस ऑफ मुसलमान जो हैं वो डॉक्टर जाकिर नायक को अपना एक स्कॉलर समझते हैं, वो उनसे एक सेंस ऑफ डायरेक्शन ढूंढते हैं, वो समझते हैं कि वो एक वर्ल्ड व्यू उनको देंगे, उनको समझ आएगा कि चीज़ें कैसी हैं। लेकिन डॉक्टर जाकिर नायक ने अब तक जो बातें की हैं गुज़िश्ता 7-8 दिनों में, पाकिस्तान में 8 दिनों वो हैं, 9 दिनों से, उनको देख के ऐसा लगता है कि मुस्लिम दुनिया का ये स्कॉलर जो है उसको दुनिया की पेचीदगी, कॉम्प्लेक्सिटी, मॉडर्न वर्ल्ड का बिल्कुल भी नहीं पता। वो अपने किसी नैरो ग्रूव के अंदर फंसा हुआ है, उसी हवाले से वो सारे के सारे कमेंट कर रहा है। स्कॉलर वो होता है जो ये नहीं कि दुनिया को कंडेम करता है, स्कॉलर दुनिया के अंदर आपको एक सेंस ऑफ डायरेक्शन देता है। और कंपैरेटिव रिलीजन या मजाहिब का स्कॉलर होने का मतलब ये नहीं है कि आप मुख्तलिफ फैक्ट्स याद करके बाकी मजाहिब को पुट डाउन करें या उनको बिलिटल करें, बल्कि आप उनके दरमियान में एक एकोमोडेशन की बात करते हैं, एक इर्तका की बात करते हैं, आइडियाज़ की बात करते हैं और आपके जो फॉलोअर्स होते हैं उनके साथ आप एक बेहतर वर्ल्ड व्यू और एक सेंस ऑफ डायरेक्शन शेयर करते हैं। ऐसी कोई चीज़ जो है वो डॉक्टर जाकिर नायक में नज़र नहीं आई। आई एम श्योर कि बहुत उनके फॉलोअर्स आप में से भी हैं और मुझे उम्मीद है कि आप इस सूरत हाल के ऊपर रिफ्लेक्ट करेंगे। मुझे ये बहुत अच्छा नहीं लगा सुन करके, अरे इसने पाकिस्तान की सरजमीन पर भारत की तारीफ की है और पाकिस्तान की बुराई की है। नहीं, ये हमारे लिए कान खड़ा करने वाली बात है कि भारत में अभी भी अलग अलग विभाग में, अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग स्टेशन में, अलग अलग एयरपोर्ट में, अलग अलग गलियों में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग विलेज में, अलग अलग गांव में, अलग अलग स्टेट में कहां कहां पर जाकिर नायक के स्लीपर सेल बैठे हुए उसको हमें खोज कर निकालना है। वो कौन है जो रोहित शर्मा का 2 KGB पास नहीं होने देता है, नाजिया इलानी खान का 1 KGB पास नहीं होने देता है, और वो कौन है जो जाकिर नायक जैसे लोगों का भारत में बैठ करके 1000 KGB फ्री में छोड़ देता था। सही बात है ना, वो कौन है? अब वो 1000 KGB में क्या था? हमारा तो लैपटॉप निकालो और लैपटॉप का चार्जर निकालो, चार्जर और मोबाइल चार्जर निकालो, वॉलेट में अगर कॉइन है तो वो निकालो, अगर जैकेट पहना है तो वो निकालो, अगर जीन्स के पैंट में अगर बेल्ट लगाया है तो वो निकालो, आस्तीन का अगर कफ पहना हुआ है तो वो निकालो। हमारे साथ तो ये है, लेकिन वो कौन लोग हैं हमारे भारत में बैठे हुए, वो कौन लोग हैं जो जाकिर नायक का 1000 KG 2000 KG ऐसे ही छोड़ रहे थे? Thank you.